ठीक है। तो दोस्त अभी हम लोग शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था, तो स्वागत। कल पहला लेक्चर जो था तुम्हारा, उसका बेसिक था कि इक्विलिब्रियम कैसे होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे होगा उसके बारे में बता रहे थे। अरे पागल जी से कहाँ डूब रहा है, आराम आराम से दौड़। ठीक हो, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ज्यादा दिक्कत है तो हम समझाते हैं उसको हिंदी में लिख दीजिए, समझ में, हिंदी में लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ लिखवाया जाए, किसी हो सकता है अगर एक्सप्लेन कर दे और उसका डेरिवेशन कर दे उसको हिंदी में लिख लीजिए। ठीक, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन है, मतलब जनरल इक्वेशन करने का मतलब क्या है, जनरल रिएक्शन लेते हैं। ठीक, केमिकल इक्वेशन नहीं, जनरल इक्वेशन मैथ्स का नहीं, केमिकल इक्वेशन क्या। तो रिएक्शन है ए ए प्लस, क्या है वो ए ए प्लस, क्या है ए ए प्लस, बोल ए ए प्लस, ए प्लस बी बी, ए ए प्लस बी बी। ब्याह करने के जब इतने मन है तो पापा को बोलता क्या नहीं ब्याह करने के लिए, बी बी हमारे बीबी नहीं है, तोड़े बीबी हो गई, तोड़े बीबी रोड और बोर्ड पर रहेगी, हमारे बीबी तो घर में रहेगी। ए ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सी सी प्लस बी डी। क्लियर, सब गैसियस फॉर्म में है, होमोजेनियस है, कल बताया था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सब गैस है, जी है जी है जी है। ठीक, गौर से सुनिए, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलो या लॉ ऑफ मास एक्शन बोलो, मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखो, ये चीज समझ जाओगे तो सही बात है। लॉ ऑफ मास एक्शन भी वही है, क्लास 12th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। क्लियर, ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम सी सी प्लस डी डी। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता क्या है, सुनो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू पावर द कोएफिशिएंट, रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। भाई समझेगा ना मुझसे, क्लियर। अगर इस रिएक्शन को इस साइड से लेते हैं तब, अगर इस साइड से लेते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ए का पावर स्मॉल है बी का पावर स्मॉल बी, यानी जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि रिएक्शन हम इधर से लें, बैकवर्ड साइड से लें, तो बैकवर्ड साइड से लेंगे तो हो जाएगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेज टू पावर पावर देयर कोएफिशिएंट, देयर
यानी आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ सी इधर से लगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर में क्या सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर में क्या डी स्मॉल डी क्लियर। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग कल के थ्योरी जो स्टेट ऑफ केमिकल थ्योरी बता रहे थे कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब हो रहा जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में इक्वल हो रहा तब ना इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली हटाने के लिए कॉन्स्टेंट क्लियर है के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी और ये हो जाएगा आर बी इक्वल्स टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी। भाई साहब यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इधर आ रहा है ना अब देखो करना क्या है कि तुम लोग खुद बोला था ना कल कि सर कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में तब है जब दोनों का रेट आपस में क्या हो जाए इक्वल है किसका रेट फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का यानी आर एफ इक्वल्स टू आर बी क्या बात है। तो फॉर इक्विलिब्रियम अगर मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है फॉर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम के लिए आर एफ इक्वल्स आपस में क्या है आर बी आर एफ इक्वल्स आर बी आर एफ की जगह क्या है F into concentration A का पावर A into concentration B का पावर B equals to KB into concentration C का पावर C into concentration D का पावर D। कोई दिक्कत नहीं सर। अब करते क्या है KB को इधर लाते हैं KF by KB KF by KB बहुत बच्चा का मन ना रहा होगी इसको इधर काहे नहीं ले जाएंगे पढ़ना सब ले जाओ KF by KB वो भी बताएंगे कंसंट्रेशन सी का पावर सी इंटू कंसंट्रेशन डी का पावर डी बाय कंसंट्रेशन ए का पावर ए इंटू कंसंट्रेशन डी का पावर बी और इसी के एफ बाई के बी को दोनों तो कांस्टेंट है इसी को मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड के सी एट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट कर रहे थे तो के पी हो जाता तुम लोग को बताया थे ना कि इंट्रोडक्शन में तो के सी हो गया KC equals to concentration of C का power C into concentration of D का power D by concentration of A का power A into concentration of D का power B। अगर chapter को ढंग से समझना है तो introduction पूरा देख लीजिए एक बार lecture देख लीजिए introduction का बढ़िया सा तब समझ में आएगा क्योंकि फिर तो आप कंटेनर बनाएंगे नहीं बताएंगे नहीं पार्शियल प्रेशर क्या है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है तो इंट्रोडक्शन वहाँ देख लीजिएगा तो मजा रहेगा। अगर KP के टर्म में प्रेशर के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C का पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर D। तो दिक्कत KX लिखना होगा तो क्या लिखेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C का पावर C इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D का पावर D बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A का पावर A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D का पावर D। तो दिक्कत नहीं ना। तो हम तुम लोग को बोले थे कि केसी का मतलब हिंदी में मतलब लैंग्वेज सेंटेंस हो केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन केपी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और केएक्स का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन पावर ठीक है नोट कीजिए। चलो जैसे कि एक इक्वेशन है मान लेते हैं इक्वेशन ये प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी ठीक है सी प्लस डी। अब होता क्या है कि हम लोग केसी क्या लिख रहे थे केसी क्या लिख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी डिराइव जो किए थे तो केसी को उसको क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी और कोफिशिएंट में ये तो पावर में क्या है कुछ नहीं एक है तो एक रहेगा पावर में इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी कोई दिक्कत कंसंट्रेशन ऑफ डी यानी कि रिएक्शन हम कहां से ले रहे हैं सी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब कुछ यहां से सुनिएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्शन हम कहां से ले रहे हैं इधर से फॉरवर्ड टू बैकवर्ड अगर हम
हम रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेंगे, यानी रिएक्शन को ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे तो ऊपर में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और नीचे में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अगर के डैश सी हमको निकालना पड़े, के डैश सी निकालना पड़े, अभी रिएक्शन ऐसे से ऐसे जा रहा है तभी वाला लिखा, अगर रिएक्शन बड़ा ऐसे से ऐसे आया यानी इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, के डैश सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ऐसा करो, इसका टॉपिक दे दो रिलेशन बिटवीन केसी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड के डैश सी, केसी एंड के डैश, ठीक है के डैश सी। अब तुम देखो ये दोनों पे कौन चीज का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सली का है कि नहीं, यानी केसी इक्वल्स टू 1 बटा के डैश सी है भाई बहे, अगर 1 बटा के डैश सी करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, ये 1 बाय के डैश सी है, या केसी इनटू के डैश सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, वैल्यू वाला आ जाएगा, नहीं आएगा यार। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि केसी कितना है, अगर रिएक्शन उल्टा ले लेते हैं तो बताइए के डैश सी कितना होगा, तो 1 बटा 1, मान लेते हैं केसी 5 है, सीधा दिया हुआ है कि केसी 5 है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स या तो रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तब बताइए के डैश सी क्या हो जाएगा, तो 1/5 निकालने का कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट बना देंगे, न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बना देंगे 10-20 मिनट न्यूमेरिकल का, पहले इसको नोट कर लो, यहां पर ध्यान देना स्टार दे करके नोट्स अच्छे से बनाते चलो। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, केपी एंड केसी हम इंट्रोडक्शन में भी डिराइव किए थे लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं तो फिर हमको डिराइव करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है जब जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, जनरल इक्वेशन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जनरल इक्वेशन, ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम सी सी प्लस बी बी, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, चाहे सो कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, सुन लो इसको हम जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे कि कंसंट्रेशन बोलते हैं, अगर एक्टिव मास भी बोलेगा तो बात वही रहेगा, याद रखना बात वही रहेगा, अगर एक्टिव मास भी बोलेगा तो बात वही रहेगा, क्या रे मुंह का बोले ऐसा है, क्या दिक्कत हुआ, तबीयत खराब है, क्या हुआ, बुखार लग रहा है, तो शर्माता गया, केसी कॉस टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास, सॉरी हाँ इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, तो केसी कॉस टू क्या आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मासूम यस सर, मेरे सेरे मेरे चित्ते मेरे कुत्ते भूख, कंसंट्रेशन ऑफ पी का पावर बी हो गया। अब तुमको पता है अगर इसका केपी हम लिख दिए, केपी क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी का पावर डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पी का पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी का पावर बी लिखा है। और तुमको पता है कि पी बी इक्वल टू क्या, एन आर टी, तो पी इक्वल टू क्या, एन बाय वी आर टी, यानी कि कंसंट्रेशन आपकी एन बाय वी को ऐसे ही लिखते हैं ना, एन बाई वी का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, और इसका भी मतलब क्या, कंसंट्रेशन, तो पी ए इक्वल्स टू क्या है, कंसंट्रेशन ए आर टी हो जाएगा, तो आराम से पीसी की जगह डाल दोगे, क्या डालोगे बोलते चलो, पीसी की जगह भाई क्या डालोगे, कंसंट्रेशन सी आर टी का पावर सी इंटू कंसंट्रेशन डी आर टी का पावर डी बटा कंसंट्रेशन ई आर टी का पावर ए इनटू कंसंट्रेशन बी आर टी का पावर बी। तुम देखो आर टी सेम है, पावर सी प्लस डी आर हो जाएगा,
यानी सीधा आ जाएगा कंसंट्रेशन सी का पावर सी इंटू कंसंट्रेशन डी का पावर डी इंटू आर टी का पावर सी प्लस डी बट कंसंट्रेशन ए का पावर ए इंटू कंसंट्रेशन बी का पावर बी इंटू आर टी का पावर ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर पावर सेम हो डिवाइड में सॉरी डेस सेम हो पावर डिफरेंट तो क्या होता है सबट्रैक्ट। क्या है सी प्लस डी क्या है गैसियस होमोजेनियस मिक्सचर बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं होमोजेनियस गैसियस के में होमोजेनियस क्या ले रहा है भाई होमोजेनियस। तो C प्लस B क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट B क्या कोफिशिएंट क्या होता है मोल होता है तो सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यानी कि NgP और ये क्या हो NgR हो सकता है बुक में ऐसे दिया हो समेशन ऑफ NgP दिमाग में लगा इनका मतलब तुम समझ लो नंबर ऑफ मोल यानी कि इतना को क्या बोलेंगे इतना वाले टर्म को Kc बोलेंगे Kc इनटू RT का पावर NgP माइनस NgR इसको बोलेंगे डेल एनजी मतलब क्या डेल एनजी का मतलब क्या हो एनजीपी माइनस एनजी ठीक है तो केपी इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी का पावर डेल एनजी बात बराबर समझ आ गया यानी केपी और केसी में यही रिलेशन है समझ आ रहा है नोट करो तब तक हम एक डायग्राम करते हैं केपी है केएक्स किसमें केपी है केएक्स नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो नोट्स ही काम आएगा दूसरा कोई काम नहीं आएगा समझ आया तुम जिसके लिए मरते हो वो भी काम नहीं आएगा आएगा बोले अरे गलत अच्छा सब ज्वाइन कर लिया कुछ यहाँ सब इधर उधर दिमाग लगा दिया फालतू की चीजों चलो रिलेशन बिटवीन केपी एंड के चले बिगड़ा हुआ बच्चा देख देख इधर रिलेशन बिटवीन केपी एंड के अब तुमको पता है ना कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं मान लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डीएलपी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अभी आपकी गलती है इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखे हैं तो नहीं देखे हैं तो देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर क्लियर तो जैसे कि मान लेते हैं कि केपी इक्वल्स टू लिखा हुआ है सेम इक्वेशन के लिए आ रहा है ना केपी इक्वल्स टू लिखा हुआ है केपी इक्वल्स टू लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर बी तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का मतलब क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर यानी कि हो जाएगा xc इनटू pt का पावर c इनटू xd इनटू pt का पावर d बटा xa इंटू pt का पावर a इंटू xb इंटू pt का पावर b कोई दिक्कत नहीं ना फिर वही वाला कहानी अरे मेरे दोस्त kp इक्वल्स टू xc का पावर c इंटू xd का पावर d बटा xa का पावर a इंटू xd का पावर b इंटू pt का पावर c प्लस d और माइनस ए प्लस बी डेल एन जी हो जाएगा कोई दिक्कत इसका मतलब क्या केपी कॉस टू इतना को क्या बोलेंगे केएक्स बोलेंगे केएक्स इनटू पीटी का पावर डेल एन जी समझ में आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया बराबर कंसेप्ट क्लियर हो गया इतना चीज तुमको ध्यान में रखना है रिलेशन अब इसके बाद हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या ऐसे कल लाइव क्लास में जब समझा रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था जब तुम लोग बैठे हुए थे देख रहा था तो होता क्या है इस चीज़ को हम एक फील करा देते हैं छोटा सा एक टॉपिक है उसको फील करा देते हैं ठीक तो न्यूमेरिकल कराएंगे वहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल का होगा उसके बाद होगा ली चार्टेलियर प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सॉरी लेक्चर ली चार्टेलियर का इस सब का चीज़ का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है उस चीज़ को हम फील करा देते हैं
ठीक, देखो जैसे हम एक चीज बता रहे थे, तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, अभी हम बात करेंगे, वो हमको बताया ठीक कि बात यही है। तुम सुनो, ये कंटेनर है ठीक है, क्लोज कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है और टाइम शुरू कर दो। अब जैसे ही टेम्परेचर देंगे टाइम शुरू, टेम्परेचर दिए टाइम शुरू, अब इसी टाइम पे कितना भरपर बन गया होगा, पानी डाले टेम्परेचर दिए टाइमर फिट करके कि 30 मतलब एक तुम्हारा लगाते हैं 5 मिनट का टाइमर, तुमको 5वें मिनट में मेजर करना है कि वेपर कितना बना हुआ है ठीक है। अब हम टाइम शुरू करते हैं, टाइम शुरू कितना भरपर बना होगा, नहीं बना होगा, बना होगा नहीं, तो टाइम जीरो पे इनिशियल टाइम पे जैसे ही टाइम शुरू होगा होगा इनिशियल टाइम पे वेपर क्या बना होगा, जीरो। वेपर बनेगा कुछ समय के बाद, तो इसी चीज को हम इक्वेशन में समझाना चाह रहे थे कल, ए प्लस बी बी इक्वल्स टू सी सी प्लस डी डी। इनिशियल टाइम पे मान लेते हैं चाहे ए प्लस बी ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस बी। इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम पे यू वन मोल रहा होगा, कोफिशिएंट कितना है जो रहेगा वही वन मोल, अब वॉल्यूम सबके लिए सेम है इसलिए कंसंट्रेशन सेम होगा, पहले सो मोल से समझो, ई वन मोल, ई भी कितना मोल, वन मोल, ई कितना मोल, जीरो। तुम ही लोग बोल रहे हैं ना इनिशियल टाइम पे यानी जीरो टाइम पे, अभी टाइम शुरू हुआ, शुरू हुआ तो प्रोडक्ट तो देखो वेपर तो बना नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं 10 मिनट के बाद, टाइम कॉस्ट 10 मिनट के बाद वेपर कौन बन रहा है, 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है कंटेनर में, वेपर बन गया तो पानी 2 लीटर रहा होगा का, तो मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी हो गया होगा तो वेपर क्या लीटर का बना होगा, 1 लीटर का, यानी जितना पानी में से कमेगा वेपर उतना ही बनेगा। अरे पगले बोल, जितना पानी में से कमेगा वेपर उतना ही बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात पल्ले पड़ रहा है, यानी कि 1 माइनस x जितना कमेगा वेपर उतना ही बनेगा। ये चीज तुमको बताएंगे बाद में जब शादी हुआ तो तुम्हारा कैमरा से पूछना सही हो, 1 माइनस x आई 1 माइनस x इसमें से x कम हो रहा है, इसमें से x कम हो रहा है तो भैपड़ावा उतने ना बन रहा होगा जितना कम होगा। तो कोई तुमको बोल दिया कि भाई साहब केसी निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन निकालो, कब कब इक्विलिब्रियम पे, तो मेरा तो इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, 10 मिनट बाद मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन निकालना है पहले तो वॉल्यूम से डिवाइड करना चाहिए, मोल क्या है, मोल मोल तो मोल है, कंसंट्रेशन बदलने के लिए कौन से डिवाइड करना होगा, वॉल्यूम से। अगर 10 लीटर इस कंटेनर का वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी, इसका भी, अगर भी लीटर है तो इसका भी भी, तो भी से डिवाइड करो, भी से डिवाइड करो, भी से डिवाइड करो, भी से डिवाइड करो, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट, तो केसी कॉस्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की जगह क्या एक्स वाई बी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की जगह क्या एक्स वाई बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या 1 माइनस x वाई बी। गौर से सुनो, जो इक्विलिब्रियम पे आएगा उसको लिख देंगे, तो सर बहुत जगह न्यूमेरिकल बनाए हैं तो भी नहीं लगा हुआ था, ये पगला भी इसलिए नहीं लगा हुआ था कि तू देख रहा भाई भीवा भीवा पार्ट जाएगा, सब का वॉल्यूम सेम है इसलिए भी नहीं लगाया, सब का वॉल्यूम सेम है इसलिए भी नहीं लगाया, आगे सुन बे, सब का वॉल्यूम सेम है इसलिए भी, तो घबराना नहीं है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझना है, यहां तक तो तुमको समझ आया, भी नहीं लगा लिया, यहां तक नोट कर लिए, कर लिए, और निकाल हाई वाला लिख लिया आया, ई वाला लिख लिया आया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जितना इसमें से घटेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, का बात समझ आ रहा है बराबर,
मजा आया? यस सर। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल लेकर का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेकर के, यही से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कांसेप्ट होगा। उसके अगले लेक्चर में मिलेंगे लीच एक्टिवेशन लेकर के, तो इसको देखिए।